लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस प्रत्याशियों पर आदिवासी समुदाय का अपमान करने और अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने के आरोप लग रहे हैं। ये आरोप किसी आम प्रत्याशियों पर नहीं लगाए जा रहे हैं, बल्कि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे दिग्विजय सिंह और सांसद नकुल नाथ पर लगाए गए हैं। सोमवार को भाजपा के प्रतिनिधि मंडल ने चुनाव आयोग के पास जाकर दिग्विजय सिंह और नकुल नाथ की शिकायत की है, जिसके बाद में कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या जल्द ही बंद हो जाएगी पूर्व मुख्यमंत्री की चुनावी पदयात्रा और क्या नकुल नाथ पर लग जाएगा एसटीएससी का मामला। जानिए पूरा मामला इस वीडियो में। दरअसल भाजपा के एक प्रतिनिधि मंडल ने सोमवार को चुनाव आयोग के पास पहुंचकर सीएम दिग्विजय सिंह और सांसद नकुल नाथ की शिकायत की। शिकायत में कहा गया कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले नेताओं पर अमर्यादित टिप्पणियां कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह पर जानबूझकर भाजपा के नेता व कार्यकर्ताओं का अपमान करने का आरोप भी लगाया गया है। अलावा दिग्विजय सिंह पर ऐसे शब्दों का प्रयोग करने का आरोप लगाया गया है जिनसे भाजपा कार्यकर्ताओं का मनोबल गिर रहा है। सरकार से कमलेश वहां के वरिष्ठ नेता हैं, आदिवासी समाज के विधायक हैं, विधायक से इस्तीफा दिया और उन्होंने ज्वाइनिंग किया, उनको अपमानित किया गया जिस प्रकार के शब्दों का उपयोग करके नकुल नाथ के द्वारा। इसका जवाब छिंदवाड़ा का आदिवासी समाज, छिंदवाड़ा का आम जन इनको देगा। जिसके कारण मांग की जा रही है कि चुनाव आयोग दिग्विजय सिंह पर 4 जून 2024 तक किसी भी तरीके के मीडिया में भाषण देने व सभा करने पर रोक लगाने का आदेश जारी करे। वहीं एक अन्य शिकायत में प्रतिनिधि मंडल ने छिंदवाड़ा से लोकसभा सांसद रहे नकुल नाथ पर आदिवासी समुदाय का अपमान करने के आरोप लगाए हैं। बता दें कि नकुल नाथ ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए एक आदिवासी नेता कमलेश शाह को गद्दार व बिकाऊ कहकर संबोधित किया था, जिसके बाद से ही कमलेश शाह, जो कि अनुसूचित जाति वर्ग से आते हैं, उनका अपमान करने और समुचित आदिवासी समुदाय का अपमान करने के आरोप लगाए जा रहे हैं। प्रतिनिधि मंडल का कहना है कि नकुल नाथ द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के एक विधायक को गद्दार व बिकाऊ कहना समस्त अनुसूचित जाति का अपमान करना है। कांग्रेस के छिंदवाड़ा के प्रत्याशी नकुल नाथ जी ने आदिवासी समाज को लेकर जाति सूचक टिप्पणी करी है और पूरे मध्य प्रदेश के नहीं बल्कि देश के 12 करोड़ आदिवासी भाइयों और बहनों के लिए उन्होंने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया उसके लिए नकुल नाथ जी को माफी मांगना चाहिए। उन्होंने हमारे आदिवासी समाज के कमलेश प्रताप साहा को लेकर जो शब्द इस्तेमाल किए हैं वो कांग्रेस के संस्कार और कांग्रेस की संस्कृति को दर्शाता है। शायद नकुल नाथ जी को संस्कार देने में कमलनाथ जी ने कोई कसर रख दी है या फिर नकुलनाथ जी पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से कांग्रेस की हालत खराब हो रही है उसको लेकर नकुलनाथ जी को ये समझ में नहीं आ रहा है कि कौन शब्दों का इस्तेमाल करूं मैं। आज मध्य प्रदेश के अंदर उन्होंने हमारे एक आदिवासी समाज के भाई के लिए गद्दार बिकाऊ जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है। मैं नकुलनाथ से पूछना चाहता हूं कि आपने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है वो आदिवासी समाज के लिए अपमान करने वाले शब्द है और मध्य प्रदेश का आदिवासी समाज नकुल नाथ से पूछता है कि आपको इन शब्दों का इस्तेमाल करने का अधिकार किसने दिया। ऐसे में चुनाव आयोग द्वारा छिंदवाड़ा लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी नकुल नाथ के खिलाफ एसटीएससी एक्ट के तहत कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या लोकसभा चुनाव से पहले दिग्विजय सिंह की भाषणबाजी और उनकी पद यात्राएं बंद करवा दी जाएंगी और क्या नकुल नाथ के ऊपर एससी एसटी एक्ट की धाराएं लग जाएंगी। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुक्त को सब्सक्राइब जरूर करें।